बोलो सिया बोलो राम चंद्र की, बोलो सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गो माता की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस छठ पर्व की पूजा पर हमारे बीच उपस्थित मुंबई के हमारे अध्यक्ष विधायक आशीष शेलार जी, विधायक अमित सातन जी, कृपा शंकर सिंह जी, अमरजीत मिश्रा जी, श्वेता शालिनी जी, और जो लगातार पिछले कई वर्षों से यहां पर छठ व्रतियों के लिए इस पूजा का आयोजन करते हैं, ऐसे समिति के अध्यक्ष मोहन मिश्रा जी, बंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी छठ व्रत रखने वाले और छठी मैया की पूजा करने वाले सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरा देश बड़े धूमधाम के साथ छठ का पर्व मना रहा है और छठी मैया को यहां पर नमन करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा है। दोस्तों, 2 साल के बाद ये पर्व फिर एक बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल हमने अर्घ्य तो दिया पर अपने घरों से दिया, छठी मैया का पूजन तो किया पर अपने घर से किया, लेकिन मुंबई में जुहू में समंदर के किनारे पर सुबह सुबह छठी मैया का पूजन करते हुए उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना और डूबते हुए सूरज को शाम को अर्घ्य देना, इसमें जिस प्रकार की आत्मिक शांति मिलती है, जो समाधान मिलता है, उससे हम वंचित थे। फिर एक बार छठी मैया की कृपा हो गई और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। और भाई अमरजीत जी ने जो कहा, आज तो 2 सागर दिखाई पड़ते हैं, एक सामने में अथांग जल का सागर है और उतना ही अथाह हमारे जल का सागर दिखाई पड़ता है, और ये छठी मैया की कृपा है कि हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। और पूरे देश में हम सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं क्योंकि सूर्य देव असीम ऊर्जा के अधिपति है और ऊर्जा के बिना संसार नहीं चलता, ऊर्जा के बिना शरीर नहीं चलता, ऊर्जा के बिना कोई भी नहीं चल सकता। और इसीलिए जब हम अर्घ्य देते हैं तो भगवान सूर्य देव को धन्यवाद भी देते हैं कि आप है तो हम हैं, आपकी कृपा से हम जिंदा है, आपकी कृपा से इस धरती पर अनाज उगता है, फल उगते हैं, आप हमारी व्यवस्था करते हो तब हम जिंदा हैं। और इसलिए इस अर्घ्य के माध्यम से हम भगवान को एक प्रकार से धन्यवाद देते हैं। और मैं छठी मैया से निवेदन करता हूं कि छठी मैया आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, क्योंकि वैसे तो हमारी माताएं बहनें जो व्रत करती है वो व्रत कोई आसान व्रत नहीं होता। भूखे पेट, खाली पेट, इस पानी के अंदर ये जो व्रत होता है, ये व्रत निश्चित ही उनका जो निश्चय है, उनकी जो शक्ति है और उनमें जो भगवान सूर्यदेव की और छठी मैया की असीम कृपा है, उसी के कारण ये व्रत यहाँ पर हम सब लोग कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों से जब से सरकार में हम लोग आए, हमने यह तय किया
व्रत के लिए सारी व्यवस्था हम करेंगे और तब से लेकर ये सारी व्यवस्था होती है। बीच में व्यवस्था होगी कि नहीं होगी ऐसा शायद छठी मैया को भी लगा होगा, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन ही कृपा शंकर जी नहीं हो पाया, लेकिन मेरा विश्वास है छठी मैया पर श्रद्धा रखने वाले जब तक है तब तक ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, करिया क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। आप सभी को इस छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर एक बार मेरे साथ कहिए, छठी मैया की, छठी मैया की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय महाराष्ट्र।